पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से बाइक चोरी कर उनके पुर्जे निकाल कर बेचने वाले वाहन चोर गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और बाइक चोर गिरोह के कब्जे से 10 चोरी की बाइक बरामद की है। इस गिरोह में 2 बाइक मिस्त्री भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं जो वाहनों के पुर्जे निकाल कर बेचने का धंधा करते हैं। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस की गिरफ्त में आए ये हैं बुलंदशहर जनपद के ही रहने वाले श्याम, बिन्नू, संजय और जयप्रकाश, जिन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा व बुलंदशहर आदि जनपदों से बाइक चोरी कर उन्हें कम कीमत में बेचने और बाइकों के पुर्जे निकाल कर बेचने का गोरख धंधा करने का आरोप है। इलाके में बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर पुलिस सतर्क थी और वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बाइकों को ठिकाने लगाने जा रहे श्याम, बिन्नू, संजय और जयप्रकाश को रोककर जैसे ही पूछताछ की तो बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के बाद दावा किया है कि बाइक चोर 10,000 रुपए तक में चोरी की बाइक बेच देते थे और जो बाइक नहीं बिकती थी उनके पुर्जे निकाल कर उनको बेचने का गोरख धंधा करते थे। फिलहाल पुलिस इस गैंग के और सदस्यों की तलाश में जुटी है। कैसे कैसे करते थे घटना? कैसे चाबी लगा के ले जाते थे? कितने जने तुम्हारे गैंग में? मैं अकेला हूँ, वो तो मिस्त्री हैं। अब तक कितनी गाड़ी चुरा चुके हो? 10-2.5 के मतलब। कितने रुपये बेचते थे? 2-3.5। कहीं बुलंदशहर से बाहर से भी उठाई हैं? नहीं, अपनी बाइक से उठाई हैं। वैसे 10 बाइक बुलंदशहर से उठाई हैं, बुलंदशहर जिले से। हाँ, यहाँ पर हम बिकने आए थे जब पकड़े गए थे यहाँ पर। कितनी मोटरसाइकिलें आए थे बिकने? 2 जने थे। एसएसपी महोदय द्वारा पिछले कुछ दिनों में वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए एएसपी नगर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया था। आज इस टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए 4 अंतर्राज्यीय चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और ये दिल्ली में भी चोरी करते हैं और यहाँ भी चोरी करते हैं। कुल 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी फैक्ट्स निकल करके आने की संभावना है। इसके आधार पर आगे की भी कार्रवाई की जाए। ये इनका पिछला भी कोई रिकॉर्ड है इस तरह का? इनके रिकॉर्ड के बारे में विस्तृत जांच की जा रही है, संबंधित जनपदों से और दिल्ली से भी इनकी सूचना इकट्ठी कराई जा रही है। जो भी सूचना आएगी उसके आधार पर आगे। तो ये वाहन चुराते थे, इनको ये किस तरह से बेचते थे, क्या करते थे, कितने? ये विस्तृत पूछताछ जारी है और फैक्ट्स अभी निकल करके आएंगे, उसके बारे में जानकारी।